संपूर्ण माननीय बोर्ड ने, मेयर महोदया ने एक हमें सहमति दी कि हम पूरे शहर में, हर वार्ड में, हर घर में अपने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाते हुए सफाई व्यवस्था में उनका सहयोग प्राप्त करें। मतलब जन सहयोग प्राप्त करने के लिए हमारे और जनता के बीच में एक कड़ी हम स्थापित कर रहे हैं, जो स्वयं सहायता समूह होगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो है लोगों से जा करके वार्ता करेंगी। उनसे मेनली उनको वार्ता ये करना है कि सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं जो निगम के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार चला रही है, उसका लाभ कैसे जनता को मिल सकता है, नंबर एक। नंबर दो, हम वार्ता करेंगे कि किस तरीके से कूड़ा, एक जो बहुत बड़ी समस्या है नगर की, उसको किस तरीके से हम सोर्स पर ही सेग्रीगेट कर लें कि उस समस्या का समाधान हो जाए। किस तरीके से गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा को अलग कर लें, किस तरीके से हम हैजार्डियस वेस्ट को अलग कर लें, और किस तरीके से घर में उत्पादित होने वाले सैनिटरी नैपकिन, घाव की पट्टियाँ, बच्चों के डायपर्स, इनको भी हम अलग कर लें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो है लोगों को गीले कूड़े से खाद बनाने के बारे में भी हम वार्ता करके उनके बगीचे में, किचन गार्डन में गड्ढे बनवाने के ऊपर कार्य करेंगे। और हम ये प्रयास करेंगे कि इस सब कार्य के बाद हमारे स्वयं सहायता समूह के लोग जो है, एक जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम में व्यवस्था है कि यूजर को इन्वॉल्व करने के लिए उससे एक शुल्क लेना है, जो हमारे निगम ने शुल्क की व्यवस्था कर रही है, उसको भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सर बात करें तो कितने महिला स्वयं सहायता समूह इसमें लगाए गए हैं? 40 वार्ड हैं, 40 महिला स्वयं सहायता समूह हमने लगाए हैं। 40 के 40 वार्डों में 40 महिला स्वयं सहायता समूह जो लगेंगे, इनको भी हमने एक बढ़िया टारगेट दिया हुआ है कि जितना जो है आप काम करोगे उसके हिसाब से हम आपको इंसेंटिव देंगे, जिसका जो प्रतिफल होगा उस हिसाब से उसका जो है मेहनताना होगा। ये कब से शुरू हो जाएगा सर? ये 15 फरवरी से हम शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं।